स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन टू द अव्वल एकेडमी ऑफ एजुकेशन। हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन में आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है शुरू करेंगे, दैट इज सॉर्ट्स को हम हिंदी में करणी भी बोल देते हैं, राइट? करणी। अब पिछले लेसन्स में आपने जो पिछले वीडियोस थे उसमें पावर इंडाइसिस एंड सर्ट्स, एक पावर ऑफ इंडाइसिस, पावर या इसको हम और क्या बोल देते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के बारे में सीखा। अब हम सर्ट्स, व्हाट इज सर्ट? तो एक्चुअली जो सर्ट्स हैं, सर्ट्स आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हैं और इसको हम अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको ऐसे हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एनी रूट, एनी रूट ऑफ ए रैशनल नंबर, एनी रूट ऑफ ए रैशनल नंबर इज कॉल्ड सर्ड, और इनको हम इजिली कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, 2 इज ए रैशनल नंबर बट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। रूट 2 हो गया, रूट 6 हो गया, रूट 8, रूट 4, 4 क्यूब, 5, पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, एटसेट्रा। ठीक है, अब इन सर्ड्स की आगे डिविजन्स हैं। तो सबसे पहली जो सर्ड आ गई वो है प्योर सर्ड। प्योर सर्ड क्या है? ए सर्ड कंसिस्टिंग ऑफ एन इरेशनल नंबर, मतलब ये पार्टली नहीं, पूरा ये होली पूरी जो है इरेशनल नंबर से बनी होगी, इज कॉल्ड अ प्योर सर्ड। मतलब जो पूरी तरह एक इरेशनल नंबर से बनी होगी वो प्योर सर्ड होगी। इसका एग्जांपल लगा लो, रूट 2 आपने ऊपर देखा ही है, 7, रूट 6 एक्सेट्रा, दीज आर आर प्योर इरेशनल नंबर्स, हेंस दे आर प्योर, दे आर कॉल्ड प्योर सर्ड। अब आ जाओ मिक्स्ड सर्ड। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है और सर्ड की डेफिनेशन आपने ऊपर देखा कि इरेशनल नंबर्स आते हैं, बट ये हो रूट किसकी होती है? रैशनल नंबर्स की। तो मिक्स सर्ड ऐसी ही चीज बन जाएगी, ए सर्ड
consisting of a sound consisting of the product of a rational number and an irrational number. ठीक है, तो वो क्या होगी? मिक्स साउंड. इसका एग्जांपल लगा लो, प्रोडक्ट ऑफ ए इरेशनल नंबर एंड ए रैशनल नंबर. ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर हो गया. ठीक है, अब इसके साथ, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो पावर होती है इसकी, अगर यहाँ पे लिखूंगा तो वो प्रोडक्ट होती है. थ्री मल्टीप्लाई टू, थ्री रूट टू का मतलब है कि दिस इज ए मिक्स साउंड consisting of a rational number and irrational, irrational number and rational number, right? ऐसे ही मैं अगर इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ, टू रूट थ्री, मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ पे जैसे इसकी पावर बन जाएगा, जैसे ये है, इसके रूट से बाहर लिखना है अपने, तो ये इसका प्रोडक्ट हो. अगर एक पावर वाला लिखना चाहूँ मैं तो उसको लिख सकता हूँ, जैसे फाइव, तो यहाँ पे इसकी आ गई पावर. अब हमें चाहिए एक रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ये एटसेट समझ में आया. सर्ड, सर्ड्स आर इरेशनल नंबर्स विच आर एनी रूट ऑफ ए रैशनल नंबर विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इजिली. कैलकुलेटेड हम इसको नहीं कर सकते सर्ड्स को, और इसके एग्जांपल ये हैं. अब इस सर्ड्स को हमने दो भाग में बांट दिया, प्योर सर्ड जिसमें एक पूरी तरह एक इरेशनल नंबर होगा, और दूसरा है मिक्सर्ड. मिक्सर्ड में एक रैशनल नंबर होगा और एक इरेशनल नंबर होगा. ये इसके एग्जांपल्स हैं. नाउ अब हम आगे चलेंगे इसमें. अब इसमें जो ये एक मिक्सर्ड है, ठीक है, इसको हम मिक्सर्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर सर्ड. एक मिक्स साइड को हम प्योर साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ए प्योर साइड कैन नॉट ऑलवेज बी कन्वर्टेड into mixed sound. मतलब हम हमेशा जो है एक प्योर सर्ड को एक मिक्स सर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लो. एग्जांपल एक मिक्सर्ड मैंने जैसे आपको बताया था थ्री रूट टू, जिसमें एक इरेशनल नंबर हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर रूट टू, रैशनल नंबर थ्री. अब इसको मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ अपनी, अब ये दोनों का मिक्सचर बन गया रैशनल और इरेशनल का, अब मैं इसको सिर्फ इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँ? ठीक है, तो अब देखो कैसे कर सकता हूँ. फिर मान लो ये थ्री है, ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करें या इसको खोलें तो ये बन गया, राइट. अब आगे इसका मतलब है कि इसका रूट बन गया, ये बन गया नौ, तो ये इसका बन गया रूट,
और यहाँ पे मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई का निशान डालें, ये रूट टू है ये। अब एक रूट वाली को दूसरी रूट वाली से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मोरली। तो ये बन गया एक इरेशनल नंबर, राइट। अब मान लो मैं जो अगला एग्जांपल दिया था आपको, टू रूट थ्री मिक्सड का एग्जांपल दिया था आपको, तो इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ प्योर सड में, तो वैसे ही टू का स्केयर करूँगा, फिर मैं रूट लगाऊंगा, फिर मैं इससे रूट वाली उससे मल्टीप्लाई करूँगा डिजिट से, तो ये कितना बन गया, चार, रूट चार, ये इसका रूट बन गया, ये दो दूनी चार हो गया, मल्टीप्लाइड रूट टू, ये बन गया रूट आठ, चार दूनी आठ, तो ये कन्वर्ट हो गए। अब मान लो ये तो चलो कन्वर्ट हो गए, एक ना कन्वर्ट होने वाला भी ले लें, क्या मतलब, एक प्योर सर्ड ले लें, ये हमने मिक्स सर्ड को कन्वर्ट किया, तो एक हम प्योर सर्ड ले लें। प्योर सर्ड क्या है, मान लो सिक्स ले, इसको अब हम मिक्स सर्ड बना ही नहीं सकते, कैसे बनाएंगे, बनेगा ही नहीं, देर इज नो सोल्यूशन, दिस कांट बी कन्वर्टेड इन टू मिक्स सर्ड, राइट। अब मान लो मैं रूट 32 को करना चाहूँ, रूट 32 भी एक इरेशनल नंबर है, इसको हम कर सकते हैं कैसे, देखो हमें चाहिए ऐसे 32 के ऐसे दो टुकड़े जिसमें से एक को हम स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, तो 16 दो 32, राइट। अब ये 16 का बन रहा है रूट, तो ये आ गया बाहर 4, इसका आ गया रूट टू, 4 × 16 = 32, अब ये बन गया मिक्स्ड, ये चीज़ बन गई, अब ये देखो इसका मतलब भी यही है, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 3 का स्केयर, ठीक है, स्केयर को रूट में बदल गया ये, ठीक है, ऐसे ही 4 × 16 = 16 × 32, ये आ गया। अब ये क्या है, प्योर सर्ड, ये क्या है, मिक्स्ड सर्ड, कन्वर्ट कर दिया इसको, यहाँ पे जबकि इसको कन्वर्ट नहीं कर सके क्योंकि हमें रूट वाले दो टुकड़े नहीं मिलेंगे यहाँ पे जिनका हम रूट बना सकें, ठीक है, ये मिक्स्ड था, इसको हमने प्योर बना दिया, ये भी मिक्स्ड था, इसका हमने प्योर बना, ये ऑलवेज हो जाता है, ये कभी कभी नहीं होता, जैसा इसमें ये हो गया इसमें ये नहीं हुआ, ये प्योर सॉल्ट था, इसको हमने इसमें मिक्स्ड में बदल दिया, राइट, ठीक है। अब सर्ड्स के बारे में थोड़ा और डीप हम चलेंगे ताकि आपको जो इसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है या बेसिक जो चीज़ें हैं वो इजीली समझ में आ जाए। अब एक चीज़ हम करते हैं जी, ऑर्डर ऑफ सर्ड्स, अब ऑर्डर ऑफ सर्ड्स में क्या है, एक चीज आपने याद रखनी है, a√a^1/n, अब इसको हम a√1/n तो बोल दिया, पर इसको एक्चुअली सर्ड्स की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्ड ऑफ nth ऑर्डर, ठीक है। अब मान लो अगर मैं लिखूं एग्जांपल एक रूट फाइव जो है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 5√1/2, ठीक है, रूट का हम 1/2 लगाते हैं, समझ में आया, तो इसको हम सर्ड की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे, सर्ड ऑफ, अब ये दो है, यहाँ एन था ये दो है, तो ये बन गया सेकंड ऑर्डर, राइट।
थर्ड ऑफ सेकंड ओवर, सेकंड कहां से आया, ये सेकंड यहां से आया, थर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, मान लो मैं लिखूं जी रूट, मान लो मैं 16 वन बाय 7, तो ये क्या बनेगा, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी 7 कैसे आ गया रूट में, कैसे लिखेंगे इसकी रूट 16। अब यहाँ पे जो आएगा वो इसकी पावर आएगी 7। ठीक है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये बन गया 16 वन बाय 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं 16, अब इसको अलग समझ लो 1/7। तो अब ये क्या बन गया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे थर्ड ऑफ सेवंथ ऑर्डर। ठीक है, ऐसे ही हम इसको तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, इसको हम पढ़ेंगे थर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये हो गया 7 पावर आ गई तो थर्ड ऑफ 7। ठीक है, अब क्या हम इनका जो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखो वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ सर्ड्स, राइट। मान लो मैंने लिख दिया √3, अब ये √3 किसकी होगी, थर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर कैसे पता चला, 3 की पावर 1/2 होगी, ऐसे लिख लिया। अब हम क्या, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो मैं इसको ऊपर और नीचे 2/2 से कर दूँ तो ये बन गया 3 की पावर 2/4, राइट। अब मैं इसको फिर अलग करना चाहूँ तो ये बन गया 3 की पावर 2 × 1/2, 1/4, राइट। अब इसको मैं और अलग कर दूँ तो ये बन गया 3 की पावर 2 × 1/4, मैं अलग ले गया बाहर। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 3 × 9 × 9 की पावर 1/4, हो गया चेंज ऑर्डर थर्ड का। अब ये था यहाँ पे थी ये थर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर, वहाँ पे बन गई थर्ड ऑफ फोर्थ का। ठीक है, अब उसके बाद कंपेयरिंग चलो इसको नेक्स्ट उस पे करते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ड समझ में आ गया। नाउ एक और जो क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम में, आपको अक्सर आपने देखा होगा कंपेयरिंग द सर्ड्स, अब क्या हम इन सर्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लो एक, कंपेयर √3 × 1/2 थर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर, √5 × 1/3 थर्ड ऑर्डर एंड √4 × 1/6, इनकी तुलना करो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू सेम ऑर्डर एंड देन कंपेयर देयर बेसिस। ठीक है, फर्स्ट कन्वर्ट देम
इनटू फॉर्म्स हैविंग सेम ऑर्डर, ऑर्डर आपको पीछे बताया ही था ऑर्डर ऑफ सॉर्ट्स। दूसरा अगला स्टेप हम क्या करेंगे, देन कंपेयर देयर बेसिस, ठीक है। अब ये इसको सेम ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। टेक एलसीएम ऑफ रूट इंडाइसिस। अब रूट इंडाइसिस क्या होगी आपकी, ये रूट इंडाइस, ये रूट इंडाइस, यानी हमने दो तीन चार दो सॉरी दो तीन छः का एलसीएम लेना, दैट इज एलसीएम ऑफ दो कोमा तीन कोमा छः। अब देखो ये तीनों एक ही उस पे जा रहे हैं टेबल पे, तो सबसे बड़ा क्या आ रहा है इसमें छः, तो इसको हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम इक्वल टू छः, ठीक है। अब इसका हमें सेकंड ऑर्डर है, इसका थर्ड ऑर्डर है, इसका सिक्स ऑर्डर है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा है, कन्वर्ट देम इनटू फॉर्म्स हैविंग सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो अब सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 3^1/2, ये सेकंड ऑर्डर का थर्ड है, इसको हमने बनाना है किसमें, सिक्स वन बाय सिक्स में। तो 1/6 में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर नीचे दो को अगर छः बनाना तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको न्यूमरेटर को भी तीन से और डिनोमिनेटर को भी तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बन गया 3^3, 3 × 3 = 2, 3 ठीक है, ठीक है। अब इतनी चीज समझ में आई, अब हम इसको और सिंपल बना देंगे। कैसे बना देंगे सिंपल, वैसे ही कि 3^3 यहाँ पे आ गया और 1/6 यहाँ पे, तो ये बन गया 3^3 = 27^1/6। अब दूसरे को 5^1/3 है, इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा, 5^1/3 × इसको किससे करना पड़ेगा, 2/2 से, 5^2/6 बन गए, इसको भी फिर वैसे ही अलग कर लो, 5^2 इसको 1/6 हमने अलग कर दिया, तो ये बन गया 25^1/6, तो ये भी 1/6 आ गया, ये भी 1/6 आ गया। अब रह गया हमारे पास 4^1/6, तो 4 तो ऑलरेडी 1/6 है, तो इसे हमें अलग करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख के दिखा सकते हैं। अब देखो तीनों का ऑर्डर जो है सेम आ गया, 1/6 ये भी सिक्स सेम ऑर्डर हो गया, सिक्स, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ सर्ड तीनों का क्या हो गया, सिक्स, तो देयरफॉर अब जब ऑर्डर सेम हो गया तो हमने सिर्फ इनका अब बेस देखना है, किसका बेस सबसे बड़ा है, तो इसका सबसे बड़ा है तो ये बिगेस्ट हो गया, इसका बेस इससे छोटा है तो इससे छोटा हो गया, और इसका बेस सबसे छोटा है ये सबसे छोटा हो गया, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने इसको सेट कर देंगे, इस बेस वाले में कौन सी भी सर्ड, ये 3^1/2 इज बिगर देन, इससे बड़ी है 5^1/3 फिर बिगर है 4^1/6, राइट। अब ये आप इजली कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंपेयरिंग द सर्ड्स की तुलना
कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी सबसे छोटी है, कितनी भी आ जाए आप सबका आपने ऐसे जो है ऑर्डर सेम कर लेना है, उसी के बाद आप तुलना कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। राइट, अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट वो है मिशन सर्च का ऑपरेशन क्या है। अगला ऑपरेशन हम करेंगे एडिशन ऑफ सर्च। अब हमने अगर सर्च को ऐड करना है तो सबसे पहले इसको याद रखना है आपने कि सिमिलर सर्च कैन बी एडिट, ये शर्त है कि सिमिलर सर्च को भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम लें, एग्जांपल क्या कह रहा है, 2√3 + 5√3 करके दिखाओ जी, तो इसको हम सीधा कर देंगे, इनका रूट वाला हिस्सा सेम है, ठीक है, तो ये 5 और 2 7 सिमिलर हैं ये, तो इसलिए ऐड हो गई, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही लिख दूं 4√5 5√6 + 8 5√6 ऑर्डर सेम है 6th 6th, तो यानी क्या बन गया है 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 × 5√6, ठीक है। अगर इसको सर्ट्स की फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 4 5√ के अंदर आएगा और 6 यहाँ पे आएगा, पावर हमेशा यहाँ पे लेंगे, पीछे बताया था आपको मिक्स सर्ट में +8√5 रहेगा और यहाँ पे आ गया 6, तो ये जुड़ के क्या बन गया 8 और 4 12√5 पावर में आ गया 6, ठीक है। ये दोनों चीजें दीज आर इक्वल सेम है, सॉरी सेम इक्वल नहीं कह सकते इसको, सेम, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लो, 2√3 + 5√2 कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते क्योंकि इसका रूट का पोर्शन ये है, इसका रूट का पोर्शन 3 है, इसका 2 है, तो ये इसको नहीं, ठीक है। अब इतनी चीज समझ में आ गई कि रूट वाला पोर्शन जो है सेम होना चाहिए, सिमिलर साइड्स होंगे, ये सिमिलर ये सिमिलर। अब यहीं पे अगर मैं करना चाहूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स, तो बच्चों जैसे सिमिलर सर्ट्स को ऐड किया था, सिमिलर सर्ट्स को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सिमिलर सर्ट्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए मान लो हम अब एग्जांपल्स में चलते हैं, के √1458 -√16
सकता हूँ, इसको करके दिखाओ। तो इसके पावर 3 है, तो यानी 1/3 वाली सिमिलर शर्ट्स हो गई, ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़ें तो ये क्या बन जाएगा, मान लो इसको तोड़ देते हैं, सात सौ उनतीस दूनी 1458, ये बन गया। इसको भी तोड़ें तो ये बन गया 8 × 2 = 16, राइट। तो ये बन गया यहाँ पे पावर 3 बन गई इसकी, इसकी पावर 3 बन गई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, √2 अंदर आ गया ये 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 981 - 729, समझ में आ गया। माइनस इसको तोड़, ये 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गए, इसको तोड़ लिया हमने 2 × 4 = 8। अब ये बन गई सिमिलर शॉट, ठीक है। तो ये अब 9 में से 2 गया सीधा 7, बाकी सारी चीज, ठीक है जी। ये बन गया अब आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ शर्ट्स, सिमिलर शर्ट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये आपने याद रखना, ठीक है। अब आओ मल्टीप्लिकेशन, अगर हम हमने जैसे ऐड किया शर्ट्स को, क्या हम उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे इसको हम। देखो सपोज करो हमारे पास ये शर्ट्स हैं, ये nth पावर वाली, a की पावर 1/n, b की पावर 1/n, c की पावर 1/n, एंड सो ऑन। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी सो ऑन, सबकी पावर बन जाएगा 1/n, ठीक है। अब ये उस कंडीशन में था जब वो इनका पावर सेम है, nth है। अब मान लो ये डिफरेंट हो जाए, ए की पावर 1/m कर दूं मैं, मल्टीप्लाई करना चाहूँ इसको ए की पावर 1/n, फिर मल्टीप्लाई करना चाहो इसको ए की पावर 1/p से डैश डैश डैश, तो अभी कुछ नहीं, नहीं। ए की पावर, ये पावर है डिफरेंट, वो पीछे भी पढ़ाया था हमने आपको, तो ये ऐड हो जाती है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट, इसमें बेस डिफरेंट थे, पावरें सेम, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लूँ इसका, कि √2 को मल्टीप्लाई करो √3 को मल्टीप्लाई करो √4 से, तो अब इसके जो है बेस जो है डिफरेंट हो गए, पावरें सेम होंगी। पावरें क्या है, 2 × 1/2, 3 × 2 = 4, 4 × 1/2, तो कुछ नहीं करना, बेस डिफरेंट, 2 × 3 × 4 ये आपको करके बताया है, ठीक है। 4 × 12 = 24, 24। अब इसको हमने तोड़ना है तो ये क्या बनेगा फिर, 4 × 6 = 24, ठीक है। अब ये 4 को हम कैसे लिख, कहाँ पे लिख देंगे, 2 × 6 = 24, ठीक है। नहीं समझ में आया अभी भी, तो इसको ऐसे समझो कि 4 × 6 है 4, ये बन गया 2 × 2 × 6, ठीक है। अब ये 6 की कोई पावर नहीं बन रही, तो ये यहाँ पे आ गया 6, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 4,
दो दिन चार मेरे को कॉल करो, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल लीजिए, मान लो मैं करना चाहूँ 5 की 1/6 मल्टीप्लाइड 2 की 1/6 मल्टीप्लाइड 3 की 1/6 डिफरेंट बेस सेम पावर तो कुछ नहीं, आपने 5 × 10 = 30 30 की 1/6 बनने, ठीक है। अब मान लो मैं एक और एग्जांपल लूँ, इतने डिफरेंट के एक सेम वाला ले लो, √3 × 3 / 3 × 4 / 3। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आप समझिए, 3 जिसके बाद कुछ नहीं उसकी 1/2 होती है, 3 की पावर 1/2 हो गई। फिर इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 1/3 हो गई। फिर मल्टीप्लाइड 3 की पावर 1/4 बेस सेम हो गए तो पावरें प्लस हो जाएंगी, 3 × 1 = 3 1/2 + 1/3 + 1/4 ठीक है। एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 12, 3 की पावर यहाँ पे रह गया 12 2 6 12 3 × 12 = 4 / 12 13/12 तो ये क्या बन गया, ये 3 की पावर 13/12 दैट्स इट, ठीक है। अब मान लो एक और एग्जांपल लूँ, मैं कहूँ कि √3 को आप मल्टीप्लाई करो 3 पावर √4 से मल्टीप्लाई करो 4 पावर √3 से, ठीक है। चलो इसको 6 कर रहे हैं, राइट। अब इसमें भी आपने घबराना नहीं, तो इसमें क्या हुआ कि तीनों के बेस भी अलग अलग हो गए और पावर भी अलग अलग हो गई। कैसे, देखो 3 की पावर 1/2 रहेगी यहाँ पे, मल्टीप्लाइड 4 की पावर 1/3 हो गई यहाँ पे, मल्टीप्लाइड 6 की पावर 1/4 हो गई। अब इसको भी हम कर सकते हैं, वो कैसे, वैसे इसका एलसीएम लेके 2, 3, 4 का, इसका जैसे आपको कंपैरिजन में बताया था, कंपैरिजन ऑफ ऑर्डर्स में, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 12, तो ये क्या बन गया है, 3 की पावर 1/2 तो सॉरी यहाँ पे एलसीएम लिख लो आप ऑफ 1/2 एक सॉरी 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आ गया, = 12। इसको थोड़े खुले स्पेस में करते हैं, स्पेस कम रहेगा। देखो पहले सम को समझो, सम क्या था, √3 × 3/4 ठीक है। अब इसको हमने जब खोलना है तो इसको कैसे करेंगे, 3 की पावर 1/2 × 4 की पावर 1/3 × 6 की पावर 1/4 ठीक है। तो अब बेस तीनों के अलग अलग हो गए, पावर भी तीनों के अलग अलग होगी, तो पहले हम पावरों का जो बे ये है डिनोमिनेटर एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 जो कि आएगा कितना, 12। अब
जैसे मैंने आपको कंपैरिजन में बताया था पहले क्या करते थे हम इसको, 3 की पावर 1/2 है तो 2 का 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, ठीक है। फिर अपना वही 4 का 1/3, 3 चौक 12, 4 से कर दिया, 4 से कर दिया, फिर 6 का 4 3 12, 3/3 से कर दिया, अब ये क्या बन गया अचल में, 3 की पावर 6/12 मल्टीप्लाइड 4 की पावर 4/12 मल्टीप्लाइड 6 की पावर 3/12, ठीक है। अब इसको तोड़ लेंगे हम, फिर 3 की पावर 6 बाहर रह गए 1/12 मल्टीप्लाइड 4 की पावर 4 बाहर रह गया 1/12 मल्टीप्लाइड 6 की पावर 3 बाहर रह गया 1/12। अब देखो 1/12 1/12 सेम हो गया, सबका 12th पावर होगी। और जो है बीच वाले को हम कर देंगे 3 की पावर 6 3 3 9 3 27 3 81 243 3 729 729 raised to power 1/12 मल्टीप्लाइड 4 की 4 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256 256 की 1/12 मल्टीप्लाइड 6 का 6 36 का 216 216 की 1/12। अब क्या रहेगा इकट्ठा कर दो इसको, 729 मल्टीप्लाइड 256 मल्टीप्लाइड 216 की 1/12। अब जिन्होंने तो हमारा शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ 3 डिजिट किया है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको फटाफट निकाल लेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो इससे मल्टीप्लाई कर देना आपने, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, 4 0 3 1 0 784/1/12। अगर आपने हमारे वीडियो अर्लियर वीडियोस में जो मल्टीप्लिकेशन की 2 डिजिट 3 डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन को आपने ध्यान से किया है तो आप इसको इजीली 1 सेकंड में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दोगे, राइट। ये हो गया, अब हम चले, नाउ वी विल स्टार्ट डिवीजन ऑफ सर्ट्स, डिवीजन ऑफ सर्ट्स। सो डिवीजन ऑफ सर्ट्स के कुछ रूल हम पहले कर चुके हैं, चलो एज ए रिमाइंडर हम आपको, सपोज वी हैव टू डिवाइड 1 raised to power a raised to power 1 by m by a raised to power 1 by n, देन वी कैन राइट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a raised to power 1 upon m a raised to power 1 upon n, राइट। हेयर बेस आर सेम, पावर आर डिफरेंट, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, पावर्स जो हैं वो अलग अलग हैं, बेस सेम है। तो ये जो है 1/m - 1/n हो जाएगा ऊपर जाकर, ठीक है। ये थे बेस सेम पावर डिफरेंट, अब बेस डिफरेंट, सपोज a रेज टू पावर 1/nth पावर से हमने डिवाइड करना है b को 1 रेज टू पावर n, पावर सेम बेस डिफरेंट, राइट। तो अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, a रेज टू पावर 1/n / b रेज टू पावर 1/n,
तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि पावर्स जो हैं सेम हैं, बेस डिफरेंट हैं, तो पूरी जो सेम पावर है इसको ले लेगी। राइट। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में देखिए आप कि सपोज वी हैव टू डिवाइड 5 1/3 बाय 5 रेज टू पावर 1/2। ठीक है। अब इसमें बेस सेम, पावर डिफरेंट, तो फर्स्ट रूल लग जाएगा। चाहे तो आप सीधा भी कर सकते हैं इसको, 5 रेज टू पावर 1/3 - 1/2। ठीक है। 1 तो ये बन गया 5 की पावर 6, एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6 2 3 6, तो ये बन गया 5 रेज टू पावर -1/6। अब ये -1/6 आ गया, तो इसको माइनस को ख़त्म करना चाहते हैं हम, तो इसको 1 के बटे करना पड़ेगा, सॉरी 1/5 की पावर 1/6। तो ये माइनस ऊपर से जब नीचे गया तो ये ख़त्म हो गया। राइट। अब अगर हम एक और एग्जांपल लें कि 8 रेज टू पावर 1/6 को हमने डिवाइड करना है 2 रेज टू पावर 1/3 से। अब देखिए दोनों केसेस में आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। ये पावर जो है डिफरेंट होगी, बेस भी डिफरेंट हो गया। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पावर को सेम बना लेंगे या बेस को सेम बना लेंगे, तो देखिए कैसे। अब जैसे ये 8 है, ठीक है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, सारे की पावर हो गई 1/6। राइट। और ये हो गई 2 की पावर 1/3। ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं हम, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 की पावर 3/6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/3। ठीक है। इतनी सी इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने इससे, तो ये 3/6 बन गया, ये 1/3 ही है जो इसको हमने करना है। अब 3 1 3 3 2 6, तो ये बन गया जी 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/3। राइट। अब वही इसको कर लेते हैं हम फिर, बेस सेम पावर डिफरेंट, बेस सेम पावर डिफरेंट, तो ये बन गया 2 की पावर, सीधा कर दो इसको, 1/2 - 1/3। ठीक है जी। तो 6 एलसीएम आ गया, 2 की पावर 6 2 3 6 3 2 6 = 1/6, तो ये प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 की पावर 1/6। ठीक है जी। ये हो गया, इसको आपने ऐसे परफॉर्म कर लेना है। अब ऐसे ही डिवीज़न के कुछ और एग्ज़ाम्पल आपको बताऊंगा कि आपको समझ आए। सपोज़ हमने करना है 14 14, अब ये क्या हो गई, ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से ही डिवाइड करना है, सॉरी प्लस नहीं डिवाइड। तो देन क्या करेंगे इसको हम, अब पहले इसको अगर आपने करना है तो 14 जो इसका रैशनल नंबर है इसको अलग कर लेंगे 4। अब ये 3 है पावर, तो ये बन गया 1/3, अगर 2 होता तो 1/2, 7 होता तो 1/7, 8 होता 1/2, कुछ भी। ठीक है।
तो इसको डिवाइड करना है हमने किससे, 7 मल्टीप्लाई 2, जब कुछ ना हो तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, राइट। अब ये इससे कट गया 7 2 जा, ठीक है 7 2 जा। अब हम क्या कर सकते हैं, चौदह बटे 7 2 7 2 14, तो ये सारा बन गया 2, या फिर इसको आप ऐसे समझिए अभी दोबारा से और सिंपल बनाते हैं इसको, इक्वल टू ये बन गया 14 मल्टीप्लाइड 4 की 1/3 बटा 7 मल्टीप्लाइड 2 की 1/3, ये तो वैसे ही रहेगा। इसको आपने 14/7 को आप अलग ले जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसमें, तो ये रह गया 4 की 1/3 बटा 2 की 1/2, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया ये, ठीक है। अब 2 × 4 की 1/3 बटा 2 की 1/2। अब देखो बेस डिफरेंट तो और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और क्या कर सकते हैं हम इसको, इसको 2 से कर दें, इसको 3 से कर दें, हमने इसका ऑर्डर सेम करना है ना, तो ऑर्डर सेम करने के लिए ये रह गया हमारा 2, तो वैसे ही रहेगा मल्टीप्लाइड 4, इसको हमने कर दिया ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो ये बन गया 4 की पावर 2/6, इसको करने के लिए 3 से कर दिया 2 की पावर 3/6, ठीक है 3 × 3 3 × 2 6, इसको 2, इसको 3 2 से किया 2 × 2 3 × 2 6, ये बन गया। अब इसको हम और अलग कर लें, तो ये बन गया 2 × 4 की पावर 2 को अंदर ले गए और 1/6 को, इसको अलग अलग कर लो फिर आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ तक यहाँ पे 1/6 ले गए और इसको कर लिया 2 की पावर 3 1/6। अब ये ऑर्डर सेम हो गया, तो अब हम डिवीज़न को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये बन गया जी 2 × ये बन गया 4 × 16, ये बन गया 2 × 4 × 8 होल पावर होगी 1/6, ठीक है। अब 8 × 8 8 × 16, ठीक है, तो ये बन गया 2 × 2 की पावर 1/6। अब इसको 2 × 2 4 नहीं कर देना, क्योंकि वो इट इज़ कैरिंग पावर 1/6, इसके साथ पावर 1/6 लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2 का 2 यहाँ पे आ गया, उसकी 1/6 को दर्शाने के लिए हमें इसको रूट में ले जाना पड़ेगा और यहाँ पावर 6 बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, बस ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर हम, ये बाहर 2 है तो अंदर भी 2 है, ये करने के लिए इसको इकट्ठा कर सकते हैं, वो कैसे कि ये बन गया 2 2 में 1 6 पावर पहले 1 पावर ये वाली ऐड होगी, ये बन गई 7, ठीक है। अगर इसको हम अलग अलग लिखेंगे, तो अब ये क्या बन गया, 2 की पावर
सात, नहीं नहीं इसको हम लिख सकते हैं, सात ऐड हो गए ना उसके अंदर, तो पावर ये बन गया 2 7/6, राइट। इसको अब यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी ठीक है, अगर इसको 6 का 7 बना देंगे तो तब भी ठीक। नाउ ये हो गया डिवीज़न, डिवीज़न ऑफ सर्ट्स। अब इसमें सर्ट्स को जब हमने सॉल्व करना है, एक चीज़ आपने और याद रखनी है, रैशनलाइजेशन तो रैशनलाइजेशन में हमने क्या करना है, कि मान लो √3/-1 को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब रैशनलाइजेशन करनी है बाय रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करते हैं तो उसका साइन चेंज कर देते हैं, कि मान लो सिंपल वे में समझिए कि हमारे पास 1 आ गया 1/√7, इसकी हमने रैशनलाइजेशन करनी है, इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको करेंगे √7 से अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया √7 और ये बन गया √7 का स्केयर, और स्केयर से कट गया ये, तो रह गया √7/7, दिस इज सॉल्व। अब अगर आइए आपके पास ये आ जाए माइन साइन वाला √3-1, तो आपने इस रूट का, इस माइनस का प्लस बना के अंश और हर दोनों से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, ठीक है। अब इसको 1 से करेंगे तो यही आएगा √3+1, जब इसको करेंगे तो ये a+b यूजिंग आइडेंटिटी a+b, ये आपको पिछली क्लासेस में करवाया होगा a-b, तो ये बन गया a²-b², तो यही आइडेंटिटी है यहाँ पे, तो ये √3² - 1² तो बन गया √3+1/, ये कट गया 3-1 रह गया √3+1/2, ठीक है। इतनी चीज़ आपने याद रखनी है। इसमें जो है मेनली जो आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं, एक आइडेंटिटी तो आपने ये देख ली के √a+√b (√a-√b), ये आप याद रखना, तो इसका जो आएगा वो a-b के बराबर, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी होगी इसके अंदर, शॉर्ट के लिए आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक के लिए, √a+, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a+b+√ab। नंबर तीसरी आइडेंटिटी हो गई यहाँ पे माइनस वाली के √a-√b² तो ये बन गया a+b, यहाँ पे आ जाएगा -√a। ये आइडेंटिटीज आपने यूज़ करनी है, ठीक है। अब सपोज हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसका, के 1/√5-√3। अब इसका हम करेंगे जब, तो ये अगर √5+ रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो a+b a-b लगेगी आइडेंटिटी, a+b ये वाली a+b a-b, तो a-b रह जाएगा इसका, ऊपर वैसे ही आ जाएगा √5+√3,
ए माइनस बी, ए पाँच, पाँच माइनस तीन, रूट फाइव प्लस रूट थ्री बटा दो। ठीक है जी, ये चीज़ अगर आपने याद कर ली तो ये काम काफ़ी इजी हो जाएगा। अब मान लो एक एग्जांपल और ले लें हम के रूट फाइव प्लस रूट थ्री, ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, रूट फाइव प्लस रूट थ्री, रूट फाइव माइनस रूट थ्री, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रूट फाइव प्लस रूट थ्री रूट फाइव प्लस रूट थ्री। ठीक है, अब a प्लस बी का स्केयर होगा ये सारा, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, रूट ए प्लस बी वाली, तो इस ये आइडेंटिटी लगा दें हम, a की जगह हम कर लें सीधा पाँच प्लस तीन प्लस दो रूट पाँच गुना तीन, हो गया काम इजी। अब यहाँ एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ए माइनस बी, पाँच माइनस तीन, तो ये बन गया पाँच और तीन आठ प्लस दो रूट पंद्रह बटे दो। ठीक है, अब इसको भी अलग अलग सॉल्व कर लो, आठ बटा दो प्लस दो रूट पंद्रह बटे दो, ये बन गया दो चौका आठ, ये दो से दो कट गया, ये आंसर आ गया जी आपका चार प्लस रूट पंद्रह, दैट्स इट। नहीं तो इसको लंबे तरीके से करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी पड़ेगा, तो ये हमने शॉर्टकट से इसको कर लिया। दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये था हमारा पावर इंडाइसिस एंड सर्ट्स के बारे में, और ये इसको कीजिए, हम अगले उसमें थोड़े और एग्जांपल लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आपको एक्सरसाइज करके दिखाएंगे थोड़ी, और तब तक आप इस क्वेश्चन इन फॉर्मूलाज को ध्यान से कीजिए, याद कीजिए, जिसने इसको लर्न कर लिया बार बार प्रैक्टिस की तो आपके लिए इजी हो जाएगा, उसके लिए कुछ भी नहीं है, जिसने नहीं किया उसके लिए बहुत कुछ है, ये इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस नज़र आते हैं बट वो होते जो सॉल्यूशन है उनका एक्चुअली बड़ा सिंपल होता है अगर आपके पास बेसिक फंडेस क्लियर किए हुए हैं। तो टिल नेक्स्ट वीडियो इट्स गुड बाय, अगर आपको अच्छा लगे इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प की जा सके।